दोस्तों नमस्ते, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। मैं पूनम, आज बनाने वाली हूँ मैं समोसा। तो चलिए चलते हैं बनाने। लेकिन सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लेट्स गो स्टार्टेड। वेल दोस्तों, बढ़ते हम अपने इंग्रेडिएंट्स के तरफ। तो ये देखिए क्या है, ये मैदा है, आधा किलो मैंने मैदा लिया है। ये उबले हुए आलू है, ये भी आधा किलो है। और ये मिर्ची है जिन्हें मैंने कूट लिया है। ये अदरक लहसुन है, इसको भी मैंने कूट लिया है। और ये सिंगदाना है जिन्हें मैंने भून कर और इसे छिलके अलग कर दिए हैं। हल्दी, धनिया, नमक, गरम मसाला, पचफोरन जिसमें ये जीरा है और सौंफ है, सरसों है, मेथी के दाने हैं, तो अजवाइन है और पानी और रिफाइंड ऑयल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस को ऑन कर लिया मैंने, कढ़ाई हो गई है गरम। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो देखिए कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें पचफोरन। तो देखो पचफोरन तड़क चुका है। अब मैं डालूंगी लहसुन। अब मैं इसमें हल्दी ऐड करने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। दोस्तों अब हमें देखो ये मैदा गूंथ लेना है, तो हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा आलू में भी नमक डालेंगे और ये अजवाइन है इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें थोड़ा तेल। इससे क्या है कि खाना मुलायम होता है, खस्ता होता है, तो इसे हम पहले ऐसे ऐसे मिक्स। आटा गूंथ कर रेडी कर लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे चकले बनाऊंगी। तो देखिए दोस्तों मैंने ये चकला बना लिया है। अब मैं इसे बेलूंगी। तो हमें इसे गोल नहीं बेलना है, हमें इसे अंडा का शेप में बनाना है। इसे मैंने बेल लिया है। देखिए अब मैं इसे कट करूंगी पीस में से।
रेडी हो चुका है। अब मैं तेल में डालने वाली हूँ। तेल को मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है। इसे हमें सुनहरा होने तक तलना है। देखिए मैं इसे पलट ले रही हूँ। वेल दोस्तों, ये देखिए सुनहरा हो चुका है। देखिए इसे मैं और थोड़ा सा पका देती हूँ। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और एकदम इसकी थोड़ी फोड़ी भी नहीं आई है। तब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए समोसे 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 तैयार है। समोसे और ये मैं बाकी के भी समोसे इसमें तल लेती हूँ। आप सबको समोसे कितने लोगों को पसंद है प्लीज हमें जरूर बताइए, क्योंकि तो मुझे तो बहुत पसंद है। ऐसे कोई चीज ही नहीं जो मुझे पसंद है। वेल दोस्तों, मेरा समोसा रेडी हो गया। ये देखिए इससे मैंने धनिया की चटनी बनाया है, इसके साथ सर्व करूंगी मैं। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।